नमस्कार, आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 की रिपोर्ट हरियाणा में उच्च शिक्षा के स्तर के हालातों की जानकारी देने के लिए काफी है। खुद को हर क्षेत्र में आगे बताने वाले हरियाणा के सिर्फ 4 विश्वविद्यालय ही देश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में जगह बना पाए हैं। इन 4 में 1 निजी और 3 सरकारी विश्वविद्यालय हैं। जिन 3 सरकारी विश्वविद्यालयों ने इस सूची में जगह बनाई है, उनकी रैंकिंग भी पिछले वर्ष के मुकाबले गिरी है। हैरानी ये है कि हरियाणा का कोई भी विश्वविद्यालय टॉप 75 विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं है। इससे भी ज्यादा हैरानी और दुख की बात यह है कि अगर देश के टॉप 100 शिक्षण संस्थानों की बात की जाए तो उनमें हरियाणा का एक भी शिक्षण संस्थान शामिल नहीं है। NIRF की साल 2020 की रिपोर्ट हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आई है। इस रिपोर्ट में हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी ऊपर के रैंक हासिल नहीं कर पाई है, यानी टॉप 10 छोड़ ही दीजिए, टॉप 75 में भी हरियाणा का कोई विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। ये तब है जब हरियाणा सरकार का दावा है कि हरियाणा में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और साथ ही नई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। यही नहीं, हरियाणा सरकार ने उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एक काउंसिल का गठन भी किया है। बड़ी हैरानी की बात है कि देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में हरियाणा की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक को 76वां स्थान मिला है और इस लिहाज से यह हरियाणा का सबसे टॉप का विश्वविद्यालय है। हरियाणा सरकार द्वारा निजी स्कूलों की फीस वसूली के लिए समय समय पर जारी किए गए आदेशों को निजी स्कूलों द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने व अभिभावकों द्वारा इस मामले में प्रतिवादी बनाए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान निजी स्कूलों की तरफ से आंशिक तौर पर पंजाब की तर्ज पर 70% फीस लेने की छूट देने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए सभी केस अलग करते हुए मामले की सुनवाई 17 जून तक स्थगित कर दी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा। गत 24 घंटे में प्रदेश में रिकॉर्ड 514 नए मरीज सामने आए हैं, 12 मौतें हुई हैं। राज्य में मौतों का आंकड़ा 100 पहुंच चुका है, जिसमें सोमवार को गुरुग्राम में 6, फरीदाबाद 5 और झज्जर में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। नए मामलों में गुरुग्राम में 183 और फरीदाबाद में 128 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद अब पूरी तरह से कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका है। अब प्रदेश में कुल आंकड़ा 7722 पहुंच चुका है। राहत की बात यह है कि आज 562 लोगों को अस्पताल से ठीक होने के बाद छुट्टी मिल गई है। इस तरह अब हरियाणा में रिकवरी रेट 46.17 तक पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 3565 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब तक कुल 4057 एक्टिव पॉजिटिव केस रह गए हैं। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि विगत खरीफ की फसल बाजरा व कपास की कम पैदावार होने पर सरकार ने जिला भिवानी के प्रभावित किसानों की भरपाई के लिए करीब 100 करोड़ रुपए मुआवजा दिलवाया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान भी सरकार द्वारा किसानों के साथ साथ भिवानी के विकास के लिए करोड़ों रुपए की राशि मंजूर की है। उन्होंने कहा कि 72 घंटे से अधिक समय तक किसानों की फसल का पैसा अदा नहीं करने वाले आढ़तियों से ब्याज सहित पैसे वसूल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोहारों के हल्के गांव गिगनाव में 25 एकड़ में 10 करोड़ रुपए की लागत से बागवानी का उत्कृष्ट केंद्र बनाया जाएगा, जहां पर कृषि विशेषज्ञ तैनात होंगे। इससे यहाँ के किसानों को सीधा लाभ होगा। समय समय पर किसान आधुनिक खेती की तकनीक जान सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि लुआस की तर्ज पर पशुपालन विभाग का जिला भिवानी में भी रीजनल सेंटर स्थापित करवाया जाएगा, जिससे पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकारी स्कूलों में दाखिलों को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि निजी स्कूलों से सरकारी स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों को एक विशेष मौका प्रदान किया गया है। जिन निजी विद्यालयों द्वारा इन बच्चों को SLC देने में आनाकानी की जा रही है, उन बच्चों को बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के दाखिला दे दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशक की ओर से 15 जून को जारी एक आदेश में राइट टू सर्विस एक्ट का जिक्र करते हुए इन सभी बच्चों को दाखिला देने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि सरकारी स्कूल में दाखिलों को लेकर विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। प्राइवेट स्कूलों से सरकारी विद्यालयों में दाखिला लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं होने पर भी प्राइवेट स्कूल के छात्र सरकारी स्कूल में दाखिला ले सकेंगे। आवेदन के 15 दिन में भी सर्टिफिकेट जारी नहीं होने पर छात्र दाखिल कर लिए जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों द्वारा SLC जारी नहीं करने की विभाग को शिकायत मिल रही थी। शिक्षा निदेशालय ने इसका समाधान ढूंढते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है।
केंद्र व प्रदेश सरकार की योजना सुकन्या समृद्धि योजना कन्याओं के सुरक्षित भविष्य के लिए वरदान साबित हुई है। अभिभावकों को सुकन्या समृद्धि योजना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बचत का जीवन में विशेष महत्व होता है, इसलिए बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए ही यह योजना लागू की गई है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज की दर 7.6 निर्धारित की है और यह दर बढ़ाई भी जा सकती है। यह ब्याज दर अन्य खातों से अधिक है। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमा राशि पर ब्याज की गणना सालाना की जाती है। अभिभावक इस खाते में 14 वर्ष तक ही पैसे जमा करा सकते हैं। इस खाते की परिपक्वता होने पर 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इस खाते की परिपक्वता होने की अवधि 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इस खाते में जमा करवाई गई राशि पर लगने वाला ब्याज पूर्णतः टैक्स फ्री होता है। उन्होंने बताया कि खाते की अवधि पूरी होने पर अभिभावक इस राशि को उच्च शिक्षा दिलवाने अथवा उसके विवाह पर यह राशि खाते से निकलवाकर खर्च की जा सकती है। दिल्ली में कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक की। बैठक में शाह ने कोरोना टेस्ट का खर्च 50% कम किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और कहा है कि एक कमेटी इस पर 2 दिन में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दे। अमित शाह ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि कोरोना वार्ड में CCTV लगाए जाएं ताकि मरीजों की परेशानी का पता चल सके। इसके अलावा खाना पहुंचाने वाले कैंटीन का बैकअप रखा जाए, क्योंकि एक कैंटीन में संक्रमण हो जाए तो भी मरीजों को खाना मिलता रहे। इसके अलावा डॉक्टरों और नर्सों की काउंसलिंग की जाए। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि हर आदमी को टेस्टिंग का हक मिलना चाहिए, ऐसा करके ही इलाज संभव है। गृह मंत्री ने इस मांग को मान लिया है। उन्होंने भरोसा दिया है कि नई पॉलिसी में हर आदमी की टेस्टिंग का हक दिया जाएगा। शाह ने यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार 20 जून तक हर रोज 18,000 टेस्ट करना शुरू कर देगी। अभी 5,000 से 7,000 तक टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। 1.5 घंटे चली सर्वदलीय बैठक में आप, कांग्रेस, भाजपा और बसपा के नेता शामिल हुए। पाकिस्तान की इस्लामाबाद पुलिस ने हिट एंड रन केस में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों को सोमवार को गिरफ्तार किया था। बाद में भारत के दबाव पर उन्हें रिहा किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने गलत मंशा के तहत भारतीय अधिकारियों के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगा दिए। दोनों अधिकारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। एक अधिकारी के खिलाफ नकली करेंसी रखने का आरोप मढ़ा गया है। वियना संधि के तहत केस बंद कर दिया गया है, लेकिन इस घटना के बाद पाकिस्तान की गंदी मानसिकता सामने आई है। भारत के दोनों अधिकारी CISF से हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय अधिकारियों को प्रताड़ित किए जाने की भी खबर है। भारतीय उच्चायोग की BMW कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। पाकिस्तान पुलिस का दावा है कि घटना के बाद जब अधिकारी भागने की कोशिश कर रहे थे, तब आसपास के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। भारतीय अधिकारी S. पाल और D. ब्रह्मू की मेडिकल जांच की जाएगी। हरियाणा में गर्मी का कहर जारी है। इसी बीच प्रदेश के लिए आने वाले 48 घंटे भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश, थंडरस्टॉर्म यानी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। हरियाणा में वज्रपात और बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। जून में पहली बार मौसम विभाग ने हरियाणा को लेकर धूल भरी आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 48 घंटे हरियाणा के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना बन रही है। वहीं पंजाब में अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है। बता दें कि बीते दिनों राज्य के कई स्थानों पर बारिश हुई, लेकिन लोगों को इससे ज्यादा राहत नहीं मिली। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने प्रदेश के कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। विभाग ने यह भी बताया था कि मानसून से पहले की बारिश शुरू होने के बाद ही प्रदेश में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों पर खास EMI ऑफर दे रही है। महामारी के चलते टाटा मोटर्स की बिक्री पर जबरदस्त असर पड़ा है और अप्रैल मई की बिक्री कोई खास नहीं रही। सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 गाड़ियों की लिस्ट में भी टाटा मोटर्स की अल्ट्रोज ही अपना मुकाम बना पाई और 9वें स्थान पर रही। टाटा अपनी प्रीमियम हैचबैक कार अल्ट्रोज समेत 5 गाड़ियों पर शानदार EMI ऑफर कर रही है। तो बात करते हैं टाटा अल्ट्रोज की। तो टाटा ने अपनी प्रीमियम कार को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया था। टाटा इस कार को 5,555 रुपए की EMI पर दे रही है। इस कार की एक्स शोरूम कीमत 5.29 लाख रुपए से 9.29 लाख रुपए तक जाती है। वहीं यह ऑफर 30 जून तक भी है। इसका मुकाबला मारुति की ब्लेनो, हुंडई i20, होंडा जेज, फॉक्स वैगन, पोलो और
टोयोटा ग्लेंजा से है। अल्ट्रोज पहली कार है जिसे ग्लोबल एनसीएपी के क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। अगली गाड़ी है टाटा टियागो। इस सेगमेंट की पहली कार है जिसे ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। कंपनी टाटा टियागो पर 4,999 रुपए की ईएमआई पर दे रही है। टाटा टियागो के बेस वेरियंट की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 4,60,000 रुपए से शुरू होती है। इस कार में 5 स्पीड मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। यह कार 19.8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। टाटा टिगोर की ग्लोबल एनसीएपी ने बड़े लोगों के लिए 4 स्टार और बच्चों के लिए 3 स्टार रेटिंग दी है। कंपनी टिगोर पर 5,999 रुपए ईएमआई का ऑफर दे रही है। टिगोर की कीमत 5.75 लाख रुपए से शुरू होती है और इसके टॉप मॉडल की कीमत 7.49 लाख रुपए तक जाती है। टाटा की यह सेडान कार केवल पेट्रोल इंजन के साथ आती है। टाटा नेक्सन देश की सबसे सुरक्षित सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसे ग्लोबल एनसीएपी सेफ्टी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है। कंपनी टाटा नेक्सन को 7,499 रुपए प्रति माह की ईएमआई का ऑफर दे रही है। टाटा नेक्सन की कीमत 6.95 लाख रुपए से 10.60 लाख रुपए तक जाती है। टाटा हैरियर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे जबरदस्त कार है। कंपनी इस कार पर 14,999 रुपए प्रति माह की ईएमआई का ऑफर दे रही है। हैरियर की शुरुआती कीमत 13.69 लाख रुपए से 18.85 लाख रुपए तक है। यह कार केवल डीजल इंजन में ही आती है। रिपोर्ट ये भी है कि कंपनी इसके पेट्रोल इंजन की टेस्टिंग कर रही है और त्योहारी सीजन में लॉन्च कर सकती है। इस एसयूवी में 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन दिया गया है। यह कार 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। अब बात आज के इतिहास की। जहांगीर के शासनकाल में गुरु अर्जुन देव को 1606 को लाहौर पाकिस्तान में भयंकर यातना देकर मार डाला गया। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव का निधन 16 जून 1606 में हुआ। हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को हुआ। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला 16 जून 2007 में बनी। बहुराष्ट्रीय शीतल पेय कंपनी कोका कोला ने 16 जून 2012 को म्यांमार में 60 वर्षों के बाद कारोबार शुरू किया। आज का विचार, दीपक बोलता नहीं उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे।